हेलो डियर एशंस कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकान डी एस आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का ओके okay. कोई भी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या कोई भी आयन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या कोई भी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है यह हम बिना पेन चलाए आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप आसानी से क्या कर पाएंगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो भी एलिमेंट आयन या कंपाउंड दिया गया है वह पैरामैग्नेटिक है या डायमैगनेटिक ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ आपको आसानी से मिलता जाए क्योंकि तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह के सुपर ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ तो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला रूल जो है आपके सामने पहले रूल्स देख लीजिए फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ पहला रूल क्या है ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन्स टेन इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन विल बी पैरामैग्नेटिक अच्छा ये होगा कैसे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है ऑड नंबर में आ आ रहे रहे हैं हैं किस में ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या टेन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप उनको देखते ही क्या बता देंगे कि तो वह कैसा है पैरामैग्नेटिक है कैसा है पैरामैग्नेटिक ओके और हां अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ रहे हैं

तो आपको पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है टू होता है तो आप जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हीलियम में अगर देखा जाए तो दो एटम्स दिए हैं कितने हैं हीलियम एच ई और एच ई तो एक हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे टू और टू और एक हीलियम के ऊपर क्या दिया हुआ चार्ज दिया हुआ तो आखिर इसने प्लस का चार्ज दिया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा निकाला होगा तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर और माइनस वन कितना हो गया थ्री हो गया तो अगर आप देखें तो यह कितना आ गया टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन आ गया क्या आ गया थ्री इलेक्ट्रॉन आ गया अच्छा अब मेरे को पता है थ्री जो होता है वो क्या होता है ऑड होता है या इवन होता है तो आपको पता है यह क्या होता है ऑड होता है क्या होता है ऑड होता है तो अभी क्या हो गया पैरा मैग्नेटिक हो गया देखिए इसके लिए आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है ओके अगर आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से आपने निकालना सीख रखा है जैसे कि क्लास में सिखाया जाता है तो वह एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा ओके कि एक एक एलिमेंट का आप क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एंड देन क्या कर रहे हैं बता रहे हैं कि पैरा मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है तो आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस या आगे के जो एग्जाम है उसमें आप सुपर ट्रिक का यूज करके तुरंत बता सकते हैं कि यह पैरामनेटिक है या डायमेटिक है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए अगले ट्राई करते हैं जैसे दिआा लिथियम जो लिथियम है यह पैरामेटिक है या डायमेनेटिक है चेक कर ले तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है थ्री होता है कितना होता है थ्री तो दो लिथियम दिए हुए यस एनो जो लिथियम दिया हुआ कितने दिए हैं टू लिथियम दिए हुए या लिथियम टू दिया था तो आपका एक हो गया इधर और एक हो गया इधर तो टोटल कितने हो गए थ्री प्लस थ्री कितने हो गए सिक्स तो आप यहां से देखिए क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जो सिक्स होता है वो क्या होता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा गेटिंग डाया मैग्नेटिक हो जाएगा चलिए नेक्स्ट चेक करिए नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं यहां देखिए एन दिया हुआ तो एन टू दैट मीस हो गया आपको पता है कि एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सेवन प्लस सेवन कितने हो जाएंगे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब आप बता सकते हैं कि जो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है यह इवन है एंड इट विल भी डाया मैग्नेटिक ओके okay? मजा आ रहा है चलिए अगला ट्रिक यूज करिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ एन टू प्लस दिया हुआ क्या दिया हुआ एन टू प्लस दिया हुआ तो अब आप यहां से चेक करिए क्या दिया हुआ यहां से चेक करिए ये क्या हो गया एन और एक हो गया एन और एक एन पे क्या है प्लस का चार्ज है तो अब इसके लिए सेवन और इसके लिए भी क्या हो गया सेवन हो गया ओके okay? इसके लिए सेवन और इसके लिए सेवन तो कितना हो जाएगा सेवन प्लस सेवन ओके अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकला भी है तो माइनस हो जाएगा तो अब आप देखें सेवन प्लस सेवन फोर्टीन और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टीन तो अब बताओ थर्टीन जो होता क्या होता है ऑड होता थर्टीन क्या होता है ऑड नंबर होता ओके एंड इट विल बी आल्सो पैरा मैग्नेटिक क्या होता, होता. है पैरा मैग्नेटिक होता है चलिए नेक्स्ट आगे अगला चेक करिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्योंकि यह अपसेप्शनल केस है कैसा ऑप्शेक्शनल केस है क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सिक्सटीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहीं पर अगर सिक्सटीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यह होता तो इवन है यह होता तो क्या है इवन है बट इट्स अ नॉट नॉटर इट्स नॉट अ डायमेटिक इट्स अ पैरामेटिक सो इट विल भी ऑब्सप्शनल केस तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने मैंने बताया है यहाँ पर देखिए अगर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रहे हैं तब भी वह कैसा होगा पैरामिटिक होगा इवन हुआ क्या है इवन है ठीक है तो आप चेक कर लीजिए यहाँ से फिर से मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से देखिए एन दिया हुआ एन टू सॉरी एन टू माइनस टूरिया हुआ एन टू माइनस टू इन द सेंस की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा और क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा ओके तो सेवन सेवन कितना हो गया फोर्टीन हो गया और दो इलेक्ट्रॉन उसने और लिया हुआ तो प्लस टू हो जाएगा कितना हो जाएगा सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और सिक्सटीन इवन यह कैसा है इवन नंबर है फिर भी यह कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा और इसको याद रखिएगा भूल मत जाइएगा क्योंकि आपको रट लिया आपने मान लीजिए कि इवन जब भी आएगा तो यह कैसा होगा डाय होगा तो पक्का आप इसे क्या करके आएंगे गलत करके आएंगे ओके तो प्लीज गलत मत करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन टू अब तो मुझे लगता है कि आसान हो गया तो एन टू क्या दिया हुआ एन टू एन टू नाइट्रोजन और क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया और उसके ऊपर प्लस टू का चार्ज, है, प्लस, टू का चार्ज प्लस टू का चार्ज सेवन सेवन फोर्टीन हो गया कितना हो गया फोर्टीन और माइनस टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया इवन आ रहा है डायमेटिक आसान है ओटू अब आप चेक करिएगा ओटू की बात करें यहाँ से अब आप देख लीजिए क्या दिया है ओटू दिया हुआ क्या दिया है ओटू दिया हुआ तो ओटू में क्या होगा आपको पता ही है सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ से ओटू दिया हुआ तो ऑक्सीजन 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 एट और एट टोटल कितना हो गया सिक्सटीन और सिक्सटीन जब आता है तो क्या होता है बताइए पैरामैग्नेटिक होता है फिर से आ गया वही इवन इवन नंबर है फिर भी यह कैसा है पैरामाइनेटिक ओके मज़ा आ रहा है आगे आइए ओ टू माइनस दिया हुआ क्या दिया हुआ O2 टू माइनस दिया हुआ तो O2 टू माइनस में अगर आप देखें तो O हो गया O हो गया सिक्सटीन सॉरी कितना हो गया 8 हो गया और 8 हो गया कितना हो गया 16 हो गया 16 में एक और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 17 क्या होता है आपको पता है 17 ऑड होता है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ओके आगे देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा अब सीओ की बात कर लेते हैं यहां देखिए सी दिया हुआ तो सी में आप हो गया सिक्स और ये हो गया ऑक्सीजन ये हो गया सिक्स और ये हो गया एट तो कितना हो गया फोर्टीन इलेक्ट्रॉन हो गया एंड फोर्टीन इलेक्ट्रॉन पर यह क्या बन जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा मजा आ रहा है आगे बढ़िए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो सीओ प्लस दिया हुआ तो सी प्लस दिया हुआ तो सीओ प्लस में अगर आप देखें तो कार्बन कितना हो गया सिक्स हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया एट हो गया आठ आठ छह चौदह और प्लस माइनस एक कर देंगे कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टीन थर्टीन क्या होता है इवन होता है पैरा बताइए अब आपको सौ में आ गया कि नहीं आ गया ठीक है इसका भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं अब देखिए एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है यहां से देख लीजिए ए आई ट्रिपल ई में पूछा गया क्वेश्चन इसमें पूछा गया ए आई ट्रिपल ई में पूछा गया क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट द डायमेटिक बिहेवियर ओके कह रहा है कि इसमें से कौन सा डायमेटिक बिहेवियर को शो करेगा ओके डायमेटिक बिहेवियर को शो करेगा तो चेक करें आप अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया O2 दिया हुआ माइनस का टू दिया हुआ तो ये अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा ओ और ओ हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा एट और एट हो जाएगा ओके कितना हो गया सिक्सटीन और प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्सटीन प्लस टू एटीन हो जाएगा ठीक है एटीन जो हो जाएगा डायमेटिक हो जाएगा ठीक है क्लियर मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करें ओके तरीका तो मैंने आपको समझा दिया आप इसको खुद सॉल्व करें इसी तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे तो कैसा लगा ये आपको ये तरीका तरीका सुपर ट्रिक का तरीका कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और हाँ अगर अच्छा लगा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए और इसी तरह से आने वाले दिनों में मैं आपके लिए सुपर ट्रिक्स लेकर के आता रहूंगा जिसे आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ओके? तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो